गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। और आज हम गए हैं गुलडंडा। आप देख सकते हो कितनी बर्फ़ है और मेरे पूरे सराउंडिंग में बर्फ़ है। और ये मेरा दोस्त, ये देखो ये आगे आगे जा रहा है। और ये और मैं अभी गुलडंडा में आए हैं। आप देख सकते हो गुलडंडा में कितनी बर्फ़ है। और जिसने बर्फ़ नहीं देखी है तो वो यहाँ पर विज़िट करें, बहुत ही अच्छा है, सुंदर है। और ये है पिकनिक स्पॉट ऊपर, आप देख सकते हो। यहाँ पर बैठने के लिए हैं, दुकानें हैं। और यहाँ पर अभी तो बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ है, तो बर्फ़ में तो मैं गया नहीं हूँ। और देख सकते हो यहाँ पे थोड़ी जैसी बर्फ़ है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो ये है थोड़ी जैसी बर्फ़, और इतनी ठंडी है ना हद से ज़्यादा। और ये है हमारी गाड़ी जो है सामने, इस गाड़ी में आए हैं हम, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सो गाइस फाइनली अब हम वापस जा रहे हैं, और वापसी पर भी आपको बहुत कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो दरख्त दिख रहे हैं, और कुछ टाइम्स पहले 2007 और 6 में ये जो दरख्त इस टाइम्स में पूरे स्पेस चादर से ढके होते थे, लेकिन इस टाइम तो बिल्कुल ही ओपन है। आप देख सकते हो बहुत ही कम थोड़ी थोड़ी बर्फ़ गिरी है, जो आपको अगर इसका मज़ा और लुत्फ़ उठाना है तो आप भद्रवाह में ज़रूर विज़िट करें आज के टाइम पे। और बहुत ही अच्छा मौसम है, अगर ये इस टाइम ना आए तो कुछ टाइम के बाद ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, और ये सिर्फ पहाड़ों के ऊपर रहेगी कुछ टाइम तक। और जून जुलाई तक मुझे लगता है कि पहाड़ों पे भी ये नहीं मिलेगी। मौसम देखो कितना सुहाना मौसम है, जंगल बहुत ही क्लियर कट में दिख रहा है। और इस टाइम फरवरी में तो ये बिल्कुल भी नहीं दिखता था। आप देख सकते हो कि जो घर हैं, घरों तक भी ये बर्फ़ थोड़ी थोड़ी गिरी है। और उसके बाद कुछ टाइम के बाद मुझे लगता है कि मार्च के एंड में ही ये ख़त्म हो जाएगा। और मैं आपको दिखा देने की कोशिश करता हूँ कि रास्तों में भी थोड़ी थोड़ी बर्फ़ है जो कि रास्ता बनाया है। आप देख सकते हो गाड़ी के सिंपली से आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि साइड्स से बिल्कुल साइडों में थोड़ी थोड़ी बर्फ़ है, और ये तो मार्च के एंड तक ही ख़त्म हो जाएगी। और जो भी भद्रवाह में विज़िट नहीं किया है तो वो भद्रवाह में विज़िट करें, ताकि आप इस बर्फ़ का लुत्फ़ उठाएँ। और ये पिकनिक स्पॉट जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था पहले, तो ये एक पिकनिक स्पॉट है, बहुत ही अच्छा है। ये ठंठेरा है, गुलडंडा है, और अब हम जा रहे हैं वापस से। और ये मेरा दोस्त है, बिल्कुल भी सेंसिटिव ड्राइविंग करता है, और ये एक हैवी ड्राइवर है। और पहले तो इसको गाड़ी चलानी नहीं आती थी, लेकिन आज ये बहुत ही खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाता है। आप देख सकते हो कि किस तरह से मेरी तरफ ही दिखता नहीं है, देखता नहीं, जब भी गाड़ी चलाता है तो बिल्कुल सामने देखता है। अगर सामने कोई आता है तो उसके साथ ही बातचीत करता है, लेकिन अदरवाइज़ ये गाड़ी चलाते चलाते कभी किसी से बात नहीं करता है, ना जो साइड में बैठा होता है उसकी तरफ देखता है। बहुत ही अच्छी ड्राइविंग करता है, लेकिन इसको मैं हैवी ड्राइविंग बोल भी बोल सकता हूँ। ये एक हैवी ड्राइविंग करता है, बहुत ही रफ एंड टफ ड्राइविंग करता है। इसके साथ अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना गाइस। मिलते हैं फिर कभी किसी व्लॉग में।